चंद सालों से ऐसी माजला बदकस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये महीना आता है तो इस मनहूस हकूमत की तरफ से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो जाता और इससे पहले भी यानी जब गाजी साहब का मसला था तो वो हकूमतें भी बर्बाद हुईं और ये जो हकूमत है इसने भी पक्का ये सीज़न बनाया हुआ अब पाकिस्तान में ए, शेडूल के मुताबिक हज़ारों महाफिल रोज़ाना की मनक़द होती हैं हज़ारों से भी जायद होंगी यकीनन, और फिर उनमें खुतबा हैं नात ख़ान हैं खुर्रा हैं और मसाजिद में इंतजाम होता है, और ये इमामों खतीबों को गिरफ़्तार कर लेते हैं और फिर उलमा को गिरफ़्तार करते हैं तो सबसे बड़ा जो असर पड़ता है बुरा वो तो महाफिल मीलाद के इनका पर पड़ता तो ये यनी आलि सुनत के ख़िलाफ़ एक साजिश है अब उधर रवाफिस जब फंक्शन करते हैं तो कोरोना भी हो तो फिर भी ये उनको मुकम्मल सेफ़ माहौल देते हैं और इधर जब पूरी दुनिया मीलाद मुस्तफ़ा सल्ला वम का जश्न मना रही होती है तो ये इसके लिए कोई अच्छे इंतज़ाम करें कोई फैसेटेट करें लोगों को उसके बजाय ये खौफ व हरास पैदा करते हैं और चादर चार दीवारी का तकदस पामाल करते हैं उलमा को गिरफ़्तार करते हैं कारकुनान को गिरफ़्तार करते हैं और यही वो लोग हैं कि जिन्होंने महफ़िल की जीनत बनना होता और महफ़िल के इंतज़ाम करने होते हैं तो इस बुनियाद पर भी सुन्नत को सोचना चाहिए बिलखसूस वो मशैक़ जो हकूमत से अपनी यारियाँ लगाए हुए हैं कि ये क्यों सुन्नत का जो तुर्रा इम्तियाज़ है महफिल मीलाद का इनकाद उसके ख़िलाफ़ हर साल ऐसा एक्शन क्यों लिया जाता है और करैकडाउन किया जाता है और उलमा को गिरफ़्तार किया जाता है यानी अभी तो पहले कसीर तादाद में अहिलसन्नत की मशाइ जेलों में हैं और फिर मजीद दो तीन दिनों से ये हुकूमत जुल्म कर रही है और महफिल मीलाद के इन इक़ाद पर असरानंदाज हो रही है इस मौका पर हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है हमें अगरचे पड़ता है कि ये जिनके एजेंट हैं इन पर इन मुतालबों का कोई जल्द असर होता नज़र नहीं आ रहा लेकिन जो हमारी ईमानी ज़िम्मेदारी है उसके पेश नज़र हमारी तो हाजरी अल्लाह के दरबार में लग जाएगी और अल्लाह ने जो जुबान हमें देख कर हम पर जो चीज़ फ़र्ज़ की है उसके लिहाज से तो कल क़्यामत के दिन हमारे पास जवाब मौजूद होगा इसलिए हम इस हकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि हाफ साद हुसैन रिजवी समेत जितने उलमाव मशाख़ पहले गिरफ़्तार हैं कारकुनान गिरफ़्तार हैं उन्हें रिहा किया जाए और दीगर जिन्हें पकड़ा जा रहा है आगे ये सिलसिला ऐसा बंद किया जाए क्योंकि ये हमारा मुकदस तरीन महीना है रबी अलवल शरीफ का और इसके सुकून अदब एहतराम के अंदर मामूली सी हलचल और खौफ व हरास भी आ, बहुत नाकबिल बर्दाश्त है तो इसलिए हकूमत इस चीज़ को पेश नज़र रखे और करैकडाउन ख़त्म करे और आगे इसी तरह के कोई गंभीर हालात बनाने से बाज रहे क्योंकि हमें पता है कि हुकूमत की बगलों के अंदर कुछ ऐसे नाहंजार लोग और ख़ुद यानी कि तादाद में बैठे हैं जो कादियानियों के एजेंट हैं जो रवाफिज़ के एजेंट हैं यदो नसारा के एजेंट हैं और फिर वो मुसलमानों के इस अजीम तरीन मौसम में आकर किस्म की गड़बड़ पैदा करते हैं अल्लाह तल मुल पाकिस्तान को सलामती अता फ़रमाए पाकिस्तान को आदिल हुक्मरान अता फ़रमाए आल सुन्नतवा जमात को तहफ़ अल्लाह तहदत अता फ़रमाए और खाल के कायनत जला इस माह मुक़दस की जो बरकतें हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम सब को अता फ़रमाए और इसे अमन वाशती का महीना हमारे लिए अल्लाह साबित करे और इसके दौरान रबल आलसन्नत व जमात को खौफ व हारात से हंगामों से महफूज रखे